जब भी आप प्ले स्टोर से किसी भी एप्स को डाउनलोड करते हो तो डाउनलोड हो जाता है लेकिन आपके फोन में इंस्टॉल नहीं होता है। तो अगर आपके फोन में भी ऐसा प्रॉब्लम्स आ रहा है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके स्मार्टफोन में कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो इस प्रॉब्लम्स को कैसे आप फिक्स कर सकते हैं और आपके स्मार्टफोन में कोई भी एप्स क्यों इंस्टॉल नहीं हो रहा है। सो हे गाइस, मैं जहांगीर और आप सभी का हमेशा की तरह टेक जी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कोई भी ऐप इंस्टॉल इसीलिए हमारे फ़ोन में नहीं होता है, कई बार हम गूगल से या फिर क्रोम ब्राउजर से कई थर्ड पार्टी ऐप्स को इंस्टॉल कर देते हैं और वो थर्ड पार्टी ऐप सिक्योर नहीं होता है और मैं भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि जब भी कोई भी ऐप्स डाउनलोड करें तो आप यहाँ प्ले स्टोर से डाउनलोड करें जो कि ऐप्स वो सिक्योर होता है। तो आप उन थर्ड पार्टी ऐप्स को डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल भी कर लेते हो और जो भी परमिशन मांगा जाता है आप अलाउ कर देते हो। तो वो करता क्या है, गूगल का जो प्रोटेक का होता है जो ऐप्स को स्कैन करता है जो ये ऐप सिक्योर है या फिर नहीं, उन ऑप्शन को बंद कर देता है। बंद कर देने के बाद ये प्रॉब्लम्स आता है और कोई भी ऐप्स आपके फ़ोन में इंस्टॉल नहीं होता है। लेकिन इस प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए चलते हैं हम अपने फ़ोन की स्क्रीन में, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप इस प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में सेटिंग्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ आपको ढूंढना है इंस्टॉल अननोन ऐप्स। तो अगर आपको ये सेटिंग्स नहीं मिल रहा है तो यहाँ आपको एक सर्च बार का ऑप्शन दिया गया है, तो ऊपर सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ सर्च करना है इंस्टॉल अननोन ऐप्स। जैसे आप सर्च करोगे तो ये आपके सामने आ जाएगा, तो इस पर क्लिक करके अब यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और नीचे आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा इंस्टॉल अननोन ऐप्स, तो आपके सामने सारे ऐप्स आ जाएगा। तो अब यहाँ किसी भी ऐप्स को ओपन नहीं करना है, यहाँ आपको क्रोम ब्राउज़र पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो परमिशन है इसको अलाउ कर देना है यानी कि ऑन कर देना है। तो ये अब जो आपको परमिशन है ये सिक्योर का परमिशन है, तो इसको अलाउ कर देने के बाद फिर से आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद फिर से आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स में ढूंढना है प्ले प्रोटेक्ट ऐप्स। तो यहाँ आपको प्ले प्रोटेक्ट ऐप्स का जो ऑप्शन है वो भी नहीं मिल रहा है, तो फिर से आपको सर्च बार में जाना है और यहाँ आपको लिखना है गूगल प्ले प्रोटेक्ट। तो जैसे आप यहाँ लिखोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ गूगल प्ले प्रोटेक्ट पे फिर से आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो राइट हैंड में आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिया गया है, तो सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इन दोनों ऑप्शन को ऑन कर देना है। ऑन कर देने के बाद फिर से आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स में फिर से जाना है और यहाँ आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा ऐप्स, तो यहाँ आपको ऐप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको जो है गूगल प्ले स्टोर ढूंढना है, तो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप सर्च करके ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ से मैं गूगल प्ले स्टोर पर क्लिक कर देते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आपको यहाँ जो है स्टोरेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ कैसे क्लियर ऑल डेटा क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद अब यहाँ आपको करना क्या है, अपने फ़ोन को कुछ देर के लिए स्विच ऑफ कर लेना है। तो यहाँ से मैं इन सेटिंग्स को बैक जाता हूँ और यहाँ पावर बटन को डाल के जो है मैं अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेता हूँ। स्विच ऑफ करने के बाद आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, आप आसानी से किसी भी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। देख लिया आपने कितना आसानी से अगर आपके फ़ोन में कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो इस प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हैं। और आपको पता चल गया होगा क्यों आपके फ़ोन में कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों साथ शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या फिर नहीं और वीडियो आपको कैसा लगा। और ऐसे ही वीडियो आपको देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।